इंदौर कांग्रेस सेवा दल द्वारा किसान बिल के विरोध में चंद्रशेखर पटेल के नेतृत्व में वाहन रैली निकाली गई, जिसमें कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय सचिव चंद्र प्रकाश वाजपेयी जी और प्रभारी दिनेश पांडे शामिल हुए। यह रैली चितावत चौराहे से लेकर देवगुराड़िया तक निकाली गई, जहां सेवा दल की सभा भी आयोजित की गई और भोजन व्यवस्था भी की गई। सेवा दल के राष्ट्रीय सचिव और मध्य प्रदेश यात्रा प्रभारी चंद्रशेखर पटेल ने बताया कि देश में चल रहे किसान कानून को लेकर यह यात्रा प्रदेश के हर हिस्से में निकाली जा रही है, जिसे मोदी सरकार द्वारा किसानों को ठगने का कानून बनाया गया है, जिसका कांग्रेस सरकार और सेवा दल विरोध करती है और यह यात्रा उसी के चलते निकाली जा रही है, जो देश के हर हिस्से में जाएगी। शामिल हुए और यात्रा किसान संघर्ष यात्रा पूरे प्रदेश में निकल रही है। ऊपर से प्रभारी महोदय के, हमारे चंद्र प्रकाश वाजपेयी जी के और हमारे अध्यक्ष महोदय के और लक्ष्मीनारायण पांडे जी के और सभी लोगों के आदेश हुए थे, इनके आदेश का पालन किया। दिनेश पांडे जी के और सभी के आदेश का हमने पालन किया और आज पालदा चौराहे से हम सब साथियों के साथ में, चूँकि मैं जिले का सेवा दल अध्यक्ष हूँ, इसलिए मैंने अपने ज़िले के लोगों को पालदा चौराहे पे इकट्ठा किया था। वहाँ से हम सब लोग अपने साथियों के साथ में यहाँ आए। यहाँ सभी को वाजपेयी जी ने और देसाई साहब ने और इन्हें सब ने संबोधित किया और आगे हमें क्या करना उसकी रणनीति अब हम बनाएंगे। ऊपर से जो भी आदेश होगा उसका अक्षरतः पालन होगा और हम आगे बढ़ेंगे। सेवा दल किसानों के साथ है। किसान, मैं खुद भी किसान हूँ और ज़िले में मेरे से जो जुड़े हुए लोग हैं वो सब किसान हैं और वास्तव में ये बिल जो आया है ये किसानों के हित में नहीं है। आज ये लोग जो बोल रहे हैं, मैंने स्पीच में सुना है कि भाई हम MSP पे गेहूं खरीदेंगे। आप MSP पे गेहूं खरीदोगे ये लिख के दे दो, कानून ये किसान चाहता है, कानून बना दो, ये आप कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है। आज ये बोलते हैं कि हम मंडियां ख़त्म नहीं होने देंगे, मंडियां ख़त्म नहीं होगी, ख़त्म नहीं होगी, ये आप बोल रहे हो लेकिन ये आपकी बातें हैं। वास्तविकता ये है कि जो अगर आप लोगों ने अंबानी अड्डानी और इनको जब व्यापारियों को आप शहर में भेजेंगे, वो लोग जब अपना माल किसानों का माल खरीदने आएंगे तो जो माल मंडी में 1800 का बिकता है, अड़तिया उसका 1800 रुपये लगाता है, ये अंबानी और अड्डानी लोग 1900 रुपये लगाएंगे तो किसान मंडी में जाने के बजाय इनके पास में आना शुरू करेगा। धीरे धीरे सारे किसान मूव कर लेंगे अंडानी अंबानी की मंडी में और मंडी पूरी तरह से खाली हो जाएगी। खाली होने के बाद में धीरे धीरे वहाँ से व्यापारी ख़त्म हो जाएंगे, व्यापार ख़त्म हो जाएगा। जब व्यापार ख़त्म हो जाएगा तो अपने आप मंडी ख़त्म हो जाएगी और जब मंडी ख़त्म होगी तो उसके बाद में जो गेहूँ आप जिस मर्जी में चाहोगे उस मर्जी में खरीदोगे। जो आज 1900 में खरीद रहे थे उसको 1200 में खरीदेंगे, 1100 में खरीदेंगे, वो पूरी तरह से किसान ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद में ये अपने अपने साइलों में भरेंगे, बड़े बड़े गोडाउन में भरेंगे और वो जो माल बेचेंगे वो अपनी कीमत पे बेचेंगे। आम आदमी भी इसमें परेशान होगा। आज देश की जनता और व्यक्ति समझ नहीं रहे हैं कि ये बिल खाली है किसानों के को नुकसान नहीं करेगा, ये बिल अपितु पूरे देश को नुकसान करेगा, आम आदमी को नुकसान करेगा, हमको भी नुकसान करेगा, आपको भी नुकसान करेगा, ये सबके लिए मरने का विषय बन जाएगा। बस यही है। आज कांग्रेस ने 70 साल में जो पेड़ लगा के, बीज बोने से लगा के तो जो बड़ा करा है, उसको दीमक के रूप में 6-7 साल में मोदी जी और मोदी जी की पूरी टीम खा रही है और आगे पूरी तरह से इसको दीमक की तरह चाट के और ख़त्म कर देंगे। ऐसा भय लगता है, ऐसा डर लगता है। आपका नाम बताइए। चंद्रशेखर पटेल, इंदौर जिला कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष। प्रत्येक वर्षों में हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है, जिसमें हम अपने एजेंडे बनाते हैं कि साल भर हमको क्या क्या करना है, क्या कमियाँ हैं, क्या खामियां हैं, उसकी समीक्षा करते हैं। तो ये अजमेर में जब ये बैठक आहूत हुई तो ये ज्वलंत मुद्दा था, जब किसान सड़कों पर निकला, इस पर काफ़ी लंबी चर्चा हुई और सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालजी देसाई जी ने सोनिया गांधी जी के आह्वान पर, माननीय राहुल गांधी जी के आह्वान पर, हम सब ने ये निर्णय लिया कि देश के प्रत्येक जिलों में जो कांग्रेस सेवा दल इकाई है
किसानों के सम्मान में, सेवा दल मैदान में उनके संघर्ष में हम लोग सहयोग दें। मध्य प्रदेश के, चूँकि मेरा नाम चंद्रप्रकाश वाजपेयी है, मैं सेवा दल का राष्ट्रीय सचिव हूँ और मध्य प्रदेश का प्रभारी हूँ, ये जिम्मेदारी दी गई। 28 तारीख को कांग्रेस का स्थापना दिवस भोपाल में मनाया गया, भारी संख्या में सेवा दल उपस्थित था और माननीय कमलनाथ जी ने लाला तिरंगा देकर सेवा दल की इस किसान संघर्ष यात्रा को उन्होंने जारी किया और सभी कांग्रेस जनों को आह्वान किया कि आप इस संघर्ष यात्रा में उनका सहयोग करें। 7 टुकड़ियां बनाई गई मध्य प्रदेश, चूँकि काफ़ी विशाल ये प्रांत है, 7 अलग अलग। रिपोर्ट वॉइस ऑफ राइट्स।